बॉलीवुड शाहरुख खान की मची अवेटेड फिल्म आपको बता दें पठान रिलीज के पहले ही विवादों में आ गई है। इधर फिल्म में हालिया रिलीज सॉन्ग बेशर्म रंग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वर नंद ने भी बॉलीवुड शाहरुख खान के खिलाफ जमकर निशाना साधा। कहा शाहरुख खान को भारत के दुश्मन देश के अगर हमदर्दी है तो तत्काल भारत छोड़कर पाकिस्तान में बस जाना चाहिए। पठान पिक्चर में जो दीपिका पादुकोण नाम की नायिका है उसके बदन में जिन वस्त्रों को दिखाया गया है हमें उन वस्त्रों की मर्यादा का भी ध्यान होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में जो गेरवे कपड़े होते हैं वे गेरवे कपड़े सूर्य के तेज का प्रतीक होते हैं और साधु संत महात्मा उनको धारण करते हैं। दूसरी ओर नायक के ऊपर अगर उन्होंने हरे कपड़े दिखाए हैं और इस प्रकार से वो फिल्माया गया है तो ये दृश्य तो आप तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जिनको भारत के दुश्मन देशों से हमदर्दी है तो वो उसी देश में चले जाएं ना, वहीं रहें, छोड़ दें भारत को। इस प्रकार से प्रतिबंध तो अवश्य लगना चाहिए और जनता में आक्रोश बढ़ रहा है, ये स्वाभाविक भी है कि भारतीय संस्कृति के साथ, हिंदू संस्कृति के साथ, सनातन परंपराओं के साथ ही ऐसी क्रूर मजाक क्यों की जा रही है फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से। आज हमारे नन्हे नन्हे बच्चे जब ऐसे दृश्यों को देखते हैं तो उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं और वो फिर जिज्ञासाएं भी खड़ी हो जाती हैं। फिर अपने घर में वो बच्चे पूछने लगते हैं कि ये सब क्या है, जैसे विज्ञापनों पर भी कि असली